के होकर एक ही मिशन के लिए काम कर रहे होते हैं, मतलब उनका काम करने का तरीका अलग, वो सफर नहीं, बट मिशन सबका एक होता है, सब यूनाइट होकर के काम कर रहे होते हैं। अगर यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर लोग यूनाइट होकर के एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ग्रुपबंदी चल रही है, कुछ चार एक दूसरे में ग्रुप में बैठे हैं, चार एक दूसरे में बैठे हैं, एक में बैठे हैं, आठ एक तरफ बैठे हैं, दो एक तरफ बैठे हैं, ये ग्रुपबंदी अगर चल रही है तो मोमेंट नहीं है साजिद साहब। बिल्कुल जी, ये आपने देख लिया, वो आठ बंदे एक तरफ, छह बंदे एक तरफ। अब ये जो बंदे सुन रहे हैं सनातनी इस वक्त, वो फैसला कर सकते हैं कि कौन कौन किस जगह पे बैठा हुआ है, मगर यहां मैं एक चीज सुनाना जरूरी समझता हूं, जो इसने कहा कि हमारे पास कोई पैरामीटर, और ये है असल सवाल इस वक्त, सबसे अहम सवाल जो सनातनियों के सामने रखने का है और उन एक्स मुस्लिम के सामने रखने का है जो वाकयातन अपने आप को समझते हैं हम हक के साथ हैं, हमें तो नहीं पता क्या है क्या नहीं, उनके लिए असल सवाल जो मैं छोड़ने लगा हूं, जो मैंने कल भी बात की थी, वो ये है, क्योंकि मैं अब ये एपीएफआई वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, और वो कौन है ये किसी को नहीं पता भैया, मैं भी हो सकता हूं, मुझ पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी हो सकता है भाई, कोई भी, जो भी वो लोग हैं उन लोगों को साथ आपने ये काम ज्यादा नहीं 8 महीने करना है, सिर्फ 8 महीने, अगर उन लोगों ने चैनल बंद नहीं किए और एक्स मुस्लिम से उन्हें कुछ नहीं मिला, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला 8 महीने 10 महीने साल भर, उन्होंने अगर चैनल भी बंद नहीं किया ना, बाद में वो एक्सपोज हुए, आपको अफसोस नहीं होगा कि आपने अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपना डाटा ऐसे लोगों के पीछे बर्बाद कर दिया, जिन जो लोग आपके ट्रस्ट के, आपके आपके भरोसे के और आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लायक थे। मुझे गालियां देनी हो यही कमेंट सेक्शन में देके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे चल रहा है वैसे चलाना है, चलाओ। और एक और चीज, एक लास्ट जी, एक एक्स मुस्लिम मूवमेंट का जो रजिस्टर करवाने जा रहा है, जो चैंपियन बना हुआ है समीर, वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं है कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं, एक मेन बंदा अंदर का, मुझे बताएं किस तो, सपोर्ट करते हैं किस बुनियाद पर। ये अमर भाई बहुत क्रिटिकल चीज थी, और ये आपने चीज उठाई, मैं भी सैम भाई से भी इस पे मैं उनकी ओपिनियन लेता हूं, ये चीज मुख्तलिफ अल्फाज से मुख्तलिफ तरीके से हम सब ने कही कि ये सब सुपर चैट के लिए हैं, देर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग, कोई भी ऐसा हमें नज़र नहीं आता कि जिसमें कोई ईमानदारी हो, कुछ ऐसी चीज़ हमें नज़र आए जिससे हम कहें कि यू नो वाकई ही ये कुछ करना, क्योंकि अगर कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले देखें ना, एक सिंपल सी बात है, आपने अगर इंसानियत के लिए कुछ करना है तो आप सबसे पहले कहते हैं कि देखो भाई मैंने इंसानियत को समझा है कि वो इस्लाम से ऊपर है, तो इसलिए मैं पैसा लूँगा ही उन लोगों से कि जो मेरे इंसानियत के मियार पर पूरे उतरते हैं। जब आप पैसा लेना शुरू कर दें जहाँ पे उन लोगों से, जहाँ पे नियोग भी चलता है, जहाँ पे इंसानी बलि भी चलती है, जहाँ पे औरतों की मार पिटाई भी चलती है, कानूनी प्रोटेक्शन मौजूद है उसकी, जहाँ पे ये देवदासी कल्चर चलता है, हर वो चीज़ जो ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है वो चल रही है वहाँ पे, आप उसको कहें कि नहीं मैं आपसे तो पैसा ले सकता हूं, तो सामने सामने पता था तो गेम तो पैसे की है। तो ये बात बिल्कुल समीर की जो असेसमेंट है ये बड़ी ऑनेस्ट है कि आप इन लोगों को 8 महीने, तो उसने वैसे जनरोसिटी में कह दिया, मेरा ख्याल 3 महीने भी बहुत होंगे, कि 3 महीने भी आप इन्हें पैसे दे जी। मैंने भी 3 महीने ही कहा था, आज से 7 महीने पहले मैंने कहा 3 महीने बहुत है जी। जी बिल्कुल सैम भाई, मैं आपको यहाँ पे, मैं आप बड़े सब्र से सुन रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, मैं उस वक्त एक बात के हम मिडल में थे, मैं उस वक्त में आपको मैं नहीं वेलकम कह सका, वेलकम ऑन बोर्ड सर, और क्या असेसमेंट है आपकी इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हो आमिर भाई, उम्मीद करता हूँ खैरियत थे आप दो। अच्छा सैम भाई की आवाज मुझे आ रही है, ये कैसे भाई आप नहीं मुझे आ रहा है, मैं ट्रांसलेट कर रही है, मैं रीजन करता हूँ। अच्छा जी जी सैम भाई, आप बता रहे थे कि इस बारे में जी जी ये देखिए, ऐसी कुछ रॉकेट साइंस चीज नहीं है, एक कोई समझदार आदमी है थोड़ी बहुत भी अगर बुद्धि रखता है तो उसको सामने विजिबल है सब चीजें कि भाई ये जेन्यून है या फेक है। समीर का जो बोलना है वो 100% सही है, वो शायद वो कुछ नशे में बोल दिया है या फिर सच बोल रहा है, पर वो बात तो खरी बोला है कि हाँ अगर इनको 3 महीने 7 महीने अगर चंदा देना बंद कर दिए इनकी असलियत सामने आ जाएगी। तो ये पूरा पूरा जो मोमेंट चल रहा है ये पैसे का मोमेंट है, ना ही ह्यूमैनिटी का है, ना ही कोई रिलीजन का है, ना ही किसी एक एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसों का मोमेंट है। जी। अगर पैसों का नहीं रहता था, अगर ये सब सचमुच में इंसानियत को सपोर्ट करते थे, तो जैसे कि आपने बोला है कि जो रेप के थ्रेट्स देते हैं, जो जेनोसाइड की बात करते हैं, उनके चैनल्स पर नहीं जाकर बैठते थे ये लोग और उनकी वाहवाही जय जयकारी नहीं करते थे।
जैसे कि जितेंद्र आनंद सरस्वती, इनका बैकग्राउंड बहुत ही, सबको पता है कि इनका बैकग्राउंड कौन सा है। नरसिंह आनंद सरस्वती का इनका बैकग्राउंड, इनके गुरु है, इनके गुरु ओपन जी थ्रेट्स देते हैं मुस्लिम्स को, और रेप्स के थ्रेट्स की बात करते हैं ये लोग, मुसलमान कौम को मिटाने की बात करते हैं, क्रिश्चियंस के ऊपर जुल्म करने की बात करते हैं, क्रिश्चियंस के ऊपर तोहमत लगाने की बात करते हैं। ये मदर तेरेसा को भी एक बार बहुत बोले सो इनके रिमार्क्स आए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब ऐसे लोगों के साथ बैठकर कोई भी इज्म के बारे में कह के लगा के हंसना, ये कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। अगर आप जेन्यून ह्यूमैनिटेरियन रहते थे, अगर आप सपोर्ट करते थे ह्यूमैनिटी को, आपके पास इंसानियत अगर रहती थी, तो इंसानियत, इंसानियत है सर भाई, ये आपसे बेहतर कौन जाता है? मीर से और आमिर भाई से बढ़कर आप जानते हैं ये ह्यूमैनिटी किसको बोलते हैं। कि ह्यूमैनिटी वो होती है किसी को भी बुरा ना बोले, किसी के बारे में गलत ना सोचे, अगर कोई गलत है वहां से हट जाए, अगर किसी को करेक्ट करना है, अगर गलत है तो उसको भी करेक्ट करे, ये नहीं कि किसी के तलवे चाटना शुरू कर दे जो पैसे डाल दिए, चाहे वो कितना भी बिल्कुल बुरा हो, चाहे वो रेपिस्ट हो या टेररिस्ट हो, डजंट मैटर अंटिल दे आर फीडिंग यू। तो ये ह्यूमैनिटी के बेसिस पे आते ही नहीं है। ह्यूमैनिटी एक इंसान के अंदर छलकती है, अगर उनके स्ट्रीम पर जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वो समझ में आता है भाई कितना सीधा और कितना खरा आदमी है। किसी की बेइज्जती नहीं करता है वो, किसी के मुंह पर हंसता नहीं है, किसी का मजाक नहीं उड़ाता है, किसी को गाली नहीं देता है। एक सच्चा ह्यूमैनिटेरियन ऐसा होता है। हाँ जी, उसका मिजाज एकेडमिक है, कम से कम ये चीज़ें तो पता चलेंगी। लेकिन देखिए, हम तो बड़े टाइम से कह रहे हैं कि ये सीधा सीधा सिस्टम जो चल रहा है, ये चल रहा जी है एक सर्विस यूज़र और सर्विस प्रोवाइडर के मोड पे। मैं सब सनातनियों को नहीं कहता, लेकिन इस पर भी कोई शक नहीं है कि सनातनी में बहुत ज़्यादा एक तबका एक्सट्रीमिस्ट पाया जाता है जो इस्लाम के खिलाफ कॉन्टेंट चाहता है। वो इस्लाम के खिलाफ एक पोलिटिकल राय रखता है, इस्लाम के खिलाफ एक कल्चरल राय रखता है। तो उनको लोग चाहिए ऐसे जो इस्लाम के खिलाफ बात करें। तो वो लोग हो गए सर्विस अपना यूजर्स, और ये जो हैं साहिल्स वगैरह वगैरह, ये जो कंपनी है, ये हो गए सर्विस प्रोवाइडर्स। तो वो तो बेसिकली अब सर्विस प्रोवाइडर है, वो तो वही करेगा जो सर्विस यूजर चाहता है। इन अदर वर्ड्स, क्लोकली शायद पहले भी मैंने बात की थी कि इन पे तो बेसिकली जब आप रक्स करते हैं किसी के लिए, तो आप वही ठुमके लगाएंगे जो उनको पसंद है, जो आपको पैसे दे रहे हैं। तो उसमें फिर ऑनेस्टी तो नहीं रहेगी। वो डांस करती 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 खातून जो आती है, आंखों में आंखें डाल के कहती है कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। सबको पता है पैसे के लिए बकवास करके कौन सा सच्चा प्यार है। तो ये बेसिकली सबका ही सारा वो था कि इन्होंने तो सिर्फ पैसे दे के, उन्होंने बताना था कि मूड बने इनका नोट पढ़ने के बाद। सैम भाई को ये रेफरेंस समझ नहीं आएगा, अमर भाई को आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये एक पाकिस्तानी गाना है सैम भाई। मैं समझ अच्छा गया जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा तो अच्छा, मुझे आप बता दीजिएगा कि किस टाइम मैं लिंक ओपन कर दूं। आज मैं, कल के जो हमारे भैया ना, जो बहुत दुखे हुए थे, जिनको कोई बात आपने नहीं करने दी, आज मैं उन्हें करने दूंगा। आज उनके भी असेसमेंट लेंगे कि नहीं, आइए असेसमेंट दीजिए, आप भी हमारी बिल्कुल असेसमेंट में शामिल हो। तो जी, जब आप कहेंगे तो मैं लिंक ओपन जरूर कर। जी बिल्कुल, एनी टाइम सर भाई। मैं एक चीज मैं इस हवाले से कहना चाहता हूँ कि जी। जो इस वक्त मूवमेंट के अंदर चल रहा है, जो नहीं जी पराया नाम ही रह गया, वैसे तो इनके बड़े बड़ों ने खुद कह दिया कि कोई मूवमेंट शूमेंट नहीं है, मगर जो जी चीज चल रही है ये यहाँ रुकने वाली नहीं है। अभी बड़े राज खुलने हैं, बड़े नाम सामने आने हैं, और बड़े लोगों की आइडेंटिटी अभी और एक्सपोज की जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं। मसला इस वक्त ये है कि दो किस्म के लोग किधर खड़े हैं। एक वो जो इनको बहुत ज्यादा पूजते हैं, मेरी मुराद सनातनी दोस्त हैं, वो किस जगह पर खड़े हैं वो अभी फैसला कर लें, और दूसरे वो मुसलमान जो शक और शुबे की निगाह से, अभी मुझे सुन रहा होगा कौन में से नीचे बैठा, वो जो इनके पीछे जा रहे हैं वो देखें कि उन्होंने सहारा किस चीज पर रखा है। एक अकलमंद शख्स जब सहारे के लिए किसी चीज को थामता है, तो वो पहले उसको जो जोड़ के देखता है कि आया ये अपने पायदार है, अपने ये खुद बिल्कुल मुस्तहकम है कि मैं इसको पकड़ूंगा तो मैं महफूज रह सकूं। ये क्या बात हुई कि आप खुद तो डूब रहे हैं और पकड़ भी उसको रहे हैं जो आपके साथ डूब रहा है, तो उसको पहले मारेंगे, खुद आप मर जाएंगे। कुरान में, नहीं अपना बिल्कुल हदीस में भी अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की थी कुर्बे क्यामत के बारे में। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कुर्बे क्यामत के लोग, कुछ लोग ऐसे निकल आएंगे वो आपको ज्ञान बांटेंगे, ये जिस तरह इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं सारे मामला। वैसे तो वो जी बिगर कॉन्टेक्स्ट में आती है, मगर मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ। तो उसमें आपने फरमाया कि फअफ्तू बिगैर इल्मिन, बगैर इल्म के लोगों को ज्ञान बांटेंगे, बगैर नॉलेज के, बगैर नॉलेज के, बगैर ज्ञान के लोगों को फतवे देंगे, चीजें बांटेंगे। जल्लू व अजल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और एक बड़ी जमात को गुमराह कर देंगे।
बुराई पर ले जाएंगे, नेगेटिव जो है ना वो इम्पैक्ट उन पर डालेंगे। हाँ, मूवमेंट जो उनको तो है हम इसमें देख रहे हैं, जी वो तो हम एग्जैक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको तो हम, बेशक ये वही बेशक। चीज है। बहुत शुक्रिया। और कोई कोई आएगा, कोई एतराज करेगा तो उस पर करेंगे। मैं 2 मिनट के लिए सुन रहा हूँगा, मगर थोड़ा अवे हूँगा। आप लिंक पब्लिक कर दें, सैम भाई इधर ही हैं, मैं 2 मिनट के लिए अवे हूँगा, आप लिंक कर दें पब्लिक। थैंक यू ठीक है करके। जी, लिंक मैं कर रहा हूँ जी पब्लिक। वही हमारे जो हर बार के रूल्स होते हैं कि जिसके लिए भी बात करें इज्जत और एहतराम से करें, अगरचे बहुत मुश्किल हो जाता है कि जिन लोगों ने आपके मुकद्दस शख्सियत के बारे में ऐसी बातें कही हों और जब उनके चेहरे सामने आए तो मुश्किल हो जाता है जिस बात पे काबू पाना, लेकिन हम में और उनमें एक फ़र्क है, वो फ़र्क नज़र आना चाहिए। भले वो मुसलमान हों, गैर मुस्लिम हों, जैसे भी हों, बहरहाल हमें एक इज़्ज़त और एहतराम के साथ ही आगे बढ़ना होगा। दैट इज़ हाउ इट नॉर्मली गोज़। इन द मीन टाइम मैं कुछ थोड़े थोड़े मैं कॉमेंट्स देखना चाहूँगा। एक पर्टिकुलर कमेंट है उसको एवॉइड करते हुए, मैंने बस उसको पढ़ा बड़े गौर से, मैं उसको लेना चाह रहा था। ये बता दूं सलमान खत्री साहब का, उन्होंने एक कहावत लिखी है लेकिन उसकी वर्डिंग इतनी शानदार है कि मैं उसको शामिल नहीं कर सकता। उन्होंने हमारे टॉपिक के सही रिलेट किया है, बट लेट्स मूव ऑन। राइट, कुछ कमेंट्स मैं देखना चाहूंगा कि जिसको हम एंटरटेन कर सकें, इसलिए क्या ये काम मुझे खुद ही करना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली इट इज समथिंग आई हैव टू डील विद। अच्छा भाई, एक्स मुस्लिम का गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है फ्रिस्की गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है इन अ वे। यस, सारे ही हाउस एक दूसरे के खिलाफ हुए हुए हैं, तो या आई गेस यार इस पे ना कभी अब मुफ्ती यासर साहब नाराज हो जाएंगे, वरना सैम भाई को, आमिर भाई को लेके हम सोच सकते थे कि इनमें से लैनिस्टर्स कौन से हैं और स्टार्क्स कौन से हैं लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में रहने देते राइट ओके। अच्छा एक कमेंट था, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, सॉरी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था जो जिसका ताल्लुक बेसिकली इस चीज से था कि जो इन लोगों ने जो शुरू किया था इस्लाम के खिलाफ, वो कैसे बैकफायर हुआ है और बड़े बुरे तरीके से बैकफायर हुआ। यानी इस तरह से उसको बैकफायर नहीं होना चाहिए था, बट इट डिड बैकफायर। और अब उसकी यानी बैकफायर इस तरह से हुआ है कि हम बहुत अरसे से बात कह रहे थे, कल सैम भाई ने ये चीज़ हमें सुनाई भी थी एक आदमी की, जिसमें वो कह रहा है कि इन लोगों ने तो इस तरह से सनातन धर्म पे बात करना शुरू कर दिया कि जो अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले इस स्टाइल में बात नहीं की गई। एंड दैट इज ट्रू, इससे पहले इस स्टाइल में बात वाकई नहीं की गई, लेकिन अब अगर की गई है तो हम चाहते हैं कि किसी को ये गलत फहमी ना रहे। हम ये चाहते हैं कि लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कभी भी हो। दैट दैट हैड नेवर बीन द इंटेंशन, कभी भी नहीं थी ये। हमने फेयर वार्निंग दी थी और काफी वक्त दे के वार्निंग दी थी कि अगर आप लोगों ने इस तरह से, यही आपका तरीका कार रहा ना, आप लोगों ने जान छोड़ी, ऐसे ही आप लोग एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करते रहे, देर विल बी अ टाइम, एक वक्त आ जाएगा जब आपके लिए ये इतनी मुश्किल हो जाएगी, इतनी मुश्किल हो जाएगी कि आप फिर, आपके पास मंदिरों में बच्चे आएंगे, सवाल पूछेंगे आपसे, लेकिन आपके पास जवाब नहीं होगा। उस वक्त को मैं चाहता हूं कि वो वक्त जो है वो ना आए। ये अच्छी बात है कि वो वक्त ना आए, लेकिन प्लीज हमें आप मजबूर ना करें कि वो वक्त आप पे आ जाए। इट्स नॉट समथिंग वी वॉन्ट, लेकिन वो वक्त आया। हमने देखा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता धर्म, सनातन धर्म को छोड़ के इस्लाम में आने लगे। लोग आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल सवाल, वो जो पहले हम पे एतराजात करते थे, वो करते 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 अब बात कहाँ से कहाँ तक आ गई है कि वो लोग कलमा पढ़ते हैं। रात को भी ऐसा हुआ, मेरी स्ट्रीम में हो चुका है, सैम भाई की स्ट्रीम में हो चुका है। तो आखिरकार हुआ क्या? आप लोगों ने एक जाली मूवमेंट को, मैं अपने सनाती बहन भाइयों से बात कर रहा हूँ, कि आप लोगों ने एक जाली मूवमेंट को आपने सपोर्ट किया और वो इतना काउंटर प्रोडक्टिव हुई कि हमने आपको बताया था कि देखें, वी विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू टॉक अबाउट योर बॉक्स। तो हमने वो सिलसिला शुरू ही किया तो एकदम से, जैसे तस्बीह टूटने के बाद उसके दाने एक 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 करके नीचे आते हैं, इस तरह से आप लोगों का लोग धर्म छोड़ के इस्लाम में आने लगे। तो मेरा आपको क्या, पैसा आपका जाया हुआ, इज्जत आपकी गई, धर्म आपका लोग छोड़ के हक की तरफ आ रहे हैं। तो हम कह जो रहे थे कि भाई एक चीज पे पर्दा पड़ा है, रहने दो, नहीं छोड़ते, मलंगों को नहीं छेड़ा करते, मलंगों को नहीं छेड़ते, लेकिन आपने छेड़ के दम लिया। खैर, स्टूडियो हमारा भर चुका है, लोग हमारे आ चुके हैं। एक फैक्ट नॉलेज 33 ब्रदर, आपका मुझे मैसेज आ रहा है कि
डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड, तो काइंडली आप जो है अगर उसको कनेक्ट कर लें। बाकी मैं ऑर्डर में ही दूंगा। सबसे पहले देसी नियो साहब हैं, वो हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है। वेलकम ऑन बोर्ड जनाब देसी नियो साहब, क्या फरमाना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसी तबीयत है आपकी? बस सब ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपके ऑडियंस से मैं माजरत करूं, क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं स्क्रीन पे आता हूं वो बड़े परेशान हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो मेरी माजरत, क्योंकि वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं आपसे बात करने की, तो मैं भी पसंद करता हूं, तो चले मुझे थोड़ा सा मौका दे दिया करें। मुझे पता है कि बाद में मसाले वाली बहुत सारी बातें आने वाली हैं, लेकिन चले थोड़ी देर के लिए मुझे बर्दाश्त कर लें। वो ये समझते हैं कि आप वक्त जाया करते हैं। जी जी जी, मैं ये समझता हूँ कि आपके अंदर एक छोटा सा मोमन अभी जागता है कभी कभी, तो इंशाल्लाह उसको हमने जगाना है। जब आप मुसलमान हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये गिले शिकवे सारे खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। श्योर। तो ये पहली बात तो ये थी आपके ऑडियंस के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि उस लास्ट वाली स्ट्रीम पे मैं जब आया था उसके बाद जो कॉलर आए थे उनसे आपने बहुत अच्छी बात की, एंड आई रियली अप्रिशिएट आपने जो बोला। उन्होंने कहा कि आपने देसीनियों को जवाब क्यों नहीं दिया, और आपने उनको कहा कि मैं ऐसी बात पर बात नहीं करता जिसके बारे में मुझे पता नहीं होता, मैं भी जाऊँगा रिसर्च करूँगा, मैं भी इनको कहता हूँ ये भी रिसर्च करें, बाकी मिल दोबारा मिलेंगे तो एक दूसरे से अच्छा एक्सचेंज होगा। ये आपका बहुत अच्छा कॉमेंट था, आई रियली अप्रिशिएट दैट कॉमेंट। तो आपके कहने के ऊपर मुताबिक मैं गया और मैंने रिसर्च की, और दोनों जो देसी न्यूज़ साहब, मैं इस पे यहाँ से मैं आपसे मैं माजरत चाहूँगा, आप हमेशा ये लिबर्टी ज़रूर लेते हैं कि टॉपिक से हट पे आप बात करते हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक चूंकि थोड़ा सा बड़ा प्रिसाइज है, मेन हमारा है योरिज्म वर्सेस इस्लाम, उस पर आप बात करना चाहें दैट्स फाइन, लेकिन आज हमारा जो पर्टिकुलर फोकस है ये जो एक एक डेवलपमेंट हुई है, आप उसके बारे में यकीन सुन रहे थे, उस पर तो उस पर हम आपकी आज राय लेना चाहेंगे, अगर आप बता सकें कि व्हाट डू यू थिंक, कि आप भी बात बहुत ज़्यादा करते रहे इस्लाम के बारे में करते रहे, लेकिन आपका तरीक़ाकार कुछ मुख्तलिफ रहा, लेकिन ये जितना ये सुपर चैट और ये सारे का सारा जितना ये सिलसिला चलता रहा था और जितने इस्लाम के बारे में ये लोग बातें कहते रहे, It's all crumbling down like house of cards. What do you make of it? To be honest, ये वाली जो है talking about people, उसके अंदर मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ, आपको पता है। I always try to talk about ideas. अब वो मेरा जो इस चीज़ के बारे में आइडिया है कि मैं हमेशा लोगों के बारे में बात करने के बजाय आइडियाज़ के बारे में बात करता हूँ, तो इसलिए मैं इन चीज़ों में पढ़ता भी नहीं हूँ। इंडियन एक्स मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स हैं, बांग्लादेशी, आई लिसन टू मोस्टली लाइक क्रिश्चियंस जो डिबेट कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो इन जो अब जो जो बातें आपने की कि कोई किसी ने किसको कोई ग्रुप बना रहा है या सुपर चैट, उसमें मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना तो मैं ज़्यादा उनका कंटेंट उस लिहाज से सुनता हूँ। कभी इंटरेस्टिंग कोई बात हो जाती है, क्लिप आता है तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन जहाँ तक उनका इंटरनल, मैं कदाकलामी की माजरा, देखिए ये बात नहीं है इंडिविजुअल्स पे बात करना है किसी और की, हम एक सिस्टमेटिक मूवमेंट की बात कर रहे थे जो वेल फंडेड मूवमेंट थी। कौन से मूवमेंट? बिलावजह नहीं थी, और पूरी की पूरी तंजीम जिसको आम लोग व्यूअरशिप की सूरत में, सुपर चैट की सूरत में, पैट्रियन की सूरत में उनको फंड कर रहे थे, गवर्नमेंट के जो अफिलिएटेड कौजी चैनल टीवी चैनल्स हैं वो उनको बुला रहे थे। ये सारा बिला वजह नहीं होता, मीडिया में मेरा भी कुछ तजर्बा है, बड़ी प्लानिंग के साथ सोच समझ के बड़े तरीके के साथ लोगों को लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम इंडिविजुअल्स पे बात कर रहे हैं, हम एक इंतहाई सिस्टमेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं जो कि बड़ी रिसोर्सफुल थी, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं पूरी मूवमेंट की बात हो रही है। चलें ठीक है, तो इस लिहाज से फिर आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, मैं ये मीडिया में कैसा होता है, टीवीज में क्या होता है, मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और जैसे आपने कहा था जिन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है उनके बारे में बात नहीं करना चाहिए, तो मैं आपके स्टेज के ऊपर आपके गेस्ट की इज्जत जाने लगे होती है। कैसर भाई ये जाने लगे आप एक सेकंड मैं बात खत्म कर दूं फिर मैं निकल जाता हूं। कैसर साहब आपके स्टेज पे जो आपके गेस्ट आते हैं ना उनकी इज्जत आपके हाथ में होती है, और उनके साथ किस तरह ट्रीट किया जाएगा वो आपके हाथ में होता है, इसलिए मैं आपसे आराम से मैं इजाजत ले रहा हूँ। ठीक है जी, मैं बहुत नाइस तरीके से बोल रहा हूँ। ठीक है, देखें आमिर, आपने मुझे बोला है कि मैं उनकी जूती के नीचे की, मैं आपको उनका,
नहीं, देसी न्यूज़ साहब, सॉरी आई हैव टू म्यूट यू। ये कोई तरीका नहीं है ना कि आप किसी का नाम खुद आपको बात ना आप किसी को करने दें और किसी के बारे में बात करके आप स्टेज लीव कर जाएं, ऐसा नहीं है। बेहतर है आप अभी स्टेज लीव कर जाएं, क्योंकि अगर आप मुझे कहें ना कि मेरे मेहमानों की इज्जत और ये दिस तरह दी इधर, तो फिर आपको भी कोई हक नहीं बनता कि अगर मेरे स्टेज पर मेरी टीम के लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं और आप उनको अप्रप्टली इस तरह से कि नहीं नहीं आप इस तरह से और आप ये मेरी, वो आपसे बात अगर नहीं, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप तशरीफ़ ले जाएं। कोई जरूरी नहीं होता कि मैं आपको ये कहूँ कि आप यहाँ पे आप जरूर आया करें, आए तो अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि वन वे चीज करके फिर दूसरे बंदे का नाम लेके आप बाद में कहें मैं चला जाऊँ, ये ठीक नहीं है। आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन काइंडली अगर आप आमिर भाई से बात सुनना नहीं चाहते तो आप उनका जिक्र भी ना करें, अपनी बात करें और उसके बाद आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। चले ठीक है, मैं उनका आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उनको डायरेक्टली उनकी तरफ कुछ वो नहीं कह रहा, उन्होंने जो भी कहना है ठीक है, मैं थोड़ी देर मैं लीव कर दूंगा। मैं आया था इधर आपसे बात करने के लिए और आपसे मेरी बात हो गई। आई रियली रिस्पेक्ट टॉकिंग टू यू इन अ प्रॉपर वे एंड आई अप्रिशिएट, वो आपका चैनल है, आपने उसको जिस तरह रेगुलेट करना है इट्स अप टू यू, आई अप्रिशिएट दैट, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, अप्रिशिएट इट, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। राइट, थैंक यू। आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास आके कह रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है सर भाई? जी जी आ रही है। हाँ, मैंने कहा कैसर भाई मैं इनकी मुनाफ़कत आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। ये कह रहे हैं जी मैं किसी शख्स के ऊपर बात नहीं करता। समीर की जब डॉक्सिंग शुरू हुई थी सबसे पहले, तो उन पहले डॉक्सिंग करने वालों के अंदर देसी न्यू भी शामिल था, जिसने अपने चैनल के ऊपर बाकायदा समीर की क्यूट गर्ल वाली जो पोस्ट थी जिसमें उसने कहा था मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ, तो देसी न्यू ने अपने चैनल के ऊपर चलाई थी। ये मुनाफ़कत है इनकी, ये सिर्फ यहाँ आकर कवर कर, ये खुद उस गैंग का बंदा है, हरिये की गैंग का, ये हरिये के साथ बैठता रहा है, सिर्फ सेपरेट इसलिए हुआ कि अपना चैनल बना के मैं भी कुछ ऊपर चैट बटोर सकूं। ठीक है जी, तो मैं चले मुझे प्राइवेटली बता दीजिएगा, बहुत सी बातें पब्लिक में बताने के, जिस गैंग का आपने नाम लिया मैं असल में जानता नहीं उस गैंग को, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी मैं आपको ये सुना देता हूँ। मेरे पास तो इनकी सारी जन्म कुंडली है, इनको पता नहीं मैं दाई हूँ इनकी। अच्छा अच्छा जी, ये देखें जरा, मैं आपको सुनाता हूँ जी। तौफीक साहब जी, मुनाफिकत को समझे थोड़ी सी। हाँ, ये जो आप दिखाना चाह रहे हैं कि ये उसने जो तस्वीर लगाई है, बेसिकली वो उसकी अपनी तस्वीर नहीं है, उसने इधर फसालसा दे हॉस्पिटल से ये तस्वीर ली है, पिंटरेस्ट के अंदर लगी हुई है और उधर से उसने वो वाली तस्वीर लेके उधर लगा दी, ये बता रहा हूँ जी। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, टुन्नियों के कमेंट देखना जरा, उसपे सारे सनातनी पागल हुए हुए हैं और दुआएं कर रहे हैं अपने अपने भगवान से, कृष्णा से, और सुपर चैट भी इन्होंने ली, यूपीआई से सुपर चैट भी गई है उनपे। ओ, ये कमेंट्स की बात कर रहे हैं, ओके, विशिंग यू स्पीडी रिकवरी। ये तो बड़ा हाई लेवल के रिसर्च है यार इतनी रिसर्च का ये बता रहे हैं कि ये जो तस्वीर उसने लगाई है दिखाने के लिए कि जैसे उसका हाथ है, ये ड्रिप लगी हुई है, हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ है, वो उसकी तस्वीर है ही नहीं, वो ये पिंटरेस्ट है। जितने ये इंडियन इस तरह के चैनल है, मैं देखा कि थोड़े घबराते हैं पाकिस्तानी, अगर कोई कहेंगे शायद कोई आईएसआई का एजेंट है या कुछ है, कहेंगे शायद कोई आईएसआई का एजेंट है या कुछ है, मगर ये एक सेकंड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 200 रुपीज मुझे दिए हैं, थैंक यू वेरी मच मोहसिन खान, अप्रिशिएट करते हैं आपने 200। देखा देखा, आगे चले, 200 रुपए भी मुझे नहीं हंसना चाहिए, वो लेकिन ये बात कर रहे हैं बीच में सुपर चैट जो है ना, रोक के उसने अगले बंदे को ये देसी न्यूज़ सुपर चैट लेने के लिए, आगे देखे जरा, ये मुनाफिक मुझसे इसलिए बात नहीं करते, इसलिए मेरा कसूर ये है जी। हाँ, आगे ये अपने बारे में भी सुन लीजिए, पढ़ लीजिए आगे सुने सबके पोल जी जी जी, आगे चलाते। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, बहुत से कमेंट जी, एक मिनट कैसे भाई, ये शायद कोई ऐसा का एजेंट है, करते हैं आपने $200 भेजे, थैंक यू फॉर योर डोनेशन, रियली अप्रिशिएट इट जी सर। तो मैं मुनाफिकत दिखाना चाह रहा था कि वो किस मतलब कैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी संपत्ति पाने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उनके हालात भी ऐसे होंगे, अगर वो उनके हालात सच में ऐसे होते तो वो अपना अपना फोटो भी डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने नेट का सहारा लिया और वे कुछ काम में बिजी होंगे, उन्होंने एक दो दिन की असल में उन्हें छुट्टी चाहिए थी, तो ये अच्छा बहाना था। और सर मैं बोलना चाहता हूँ कि
दोबारा आप उनकी जरा कम्युनिटी में जाएंगे तो वहां पर उन्होंने एक भगवद गीता को लेकर पोस्ट डाली है। स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता, आई एम टोटली फाइन नाउ, सी यू ऑल टुमारो, तो वो कह रहे हैं मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूं। हां और सर वो कमेंट भी चेक कर रहे जरा। हां कमेंट 417, ओए होए होए, इधर तो फिर टूट पड़े होंगे। ये देख रहे हैं आप, ये समीर के ऊपर हंस रहा है, ये कहता है जी मैं किसी पर्सनल पे बात नहीं करता। आगे चल दे जी, आगे आगे सुनाता हूँ आपको, सुने जरा तौफीक साहब जी। मुनाफिकत, अच्छा असल में कुछ सनातनी हैं जो इस पर आपत्ति जताई, उन्होंने जो मतलब थोड़े रैशनल हैं वो बोल रहे हैं कि ये करने की क्या जरूरत है, इसमें तो ये है इसमें तो वो है। तो समीर साहब उनको ये भी बोल रहे हैं कि इसे समझ कर पढ़ो जरा एक बार, ये काम इंडियन एक्ट मुस्लिम कर रहे हैं जो कि किसी पुजारी या फिर किसी महंत को करना चाहिए, किसी मंदिर के पुजारी को करना चाहिए, वो काम एक्स मुस्लिम कर रहे हैं और इन पर सवाल उठाना बनता है। खैर ये वाला जो आपने पॉइंट जो डाला है, तस्वीर लगा के हाथ दिखाना कि देखो मुझे ड्रिप लगी हुई है और वो तस्वीर कहीं और से लगा दी, दैट इज अ लिटिल बिट सस्पेक्ट, यू नो, इस तरह की एक्शन आई थिंक ये देसी न्यू मुझे बता देते मैं 2000 भेज दूंगा अभी, क्या बात है। वैसे वैसे 2200 रुपए के जितने कमेंट्स आए, अगर वो सारे में दिखाना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में काम बड़ा लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात नहीं करते कैसर भाई, इसीलिए बात नहीं करते ये। मुझे गरीब थे इसलिए रिलेटिवली न्यू नेम एक नजर आ रहा है, मैं चाहूंगा इनको लूंगा। इन्होंने अपने साथ एक्स मुस्लिम अली लिखा हुआ है, मैन मेड गॉड्स। एक्स मुस्लिम अली, वेलकम टू द स्ट्रीम, व्हाट डू यू हैव टू से जनाब? कैसर अहमद राजा साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे स्टेज में लिया, टाइम दिया। स्टैलिन साहब आपको भी मैंने सुना है, आमिर अक साहब आपको भी मैंने सुना है, मैं इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट का बहुत नया हिस्सा हूं, तो जितनी भी आप इनसाइड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं वो सही हो सकती है। नहीं जी बोलिए, मैंने कहा कि कैसर भाई जी, मैंने कहा कि ये मैंने कहा ये चैनल प्रमोट करने के लिए सारे इधर आ जाते हैं आपके पास ही, मेरे पास कोई नहीं आता यार, मैं भी लिंक देता हूँ पब्लिक जी। मैं अभी इनसे जो है वो भी चलिए मैं बात सुनते हैं फिर let's take it from there। जी जनाब अली साहब, तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जी जी मैं ये कह रहा था वो सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं खुद बहुत नया हूँ अभी इस मूवमेंट में, तो मैं इससे बहुत दूर हूँ, मैं गॉसिप से और व्हाट्सएप ग्रुप से और डिस्कॉर्ड चैनल से मैं इससे बहुत दूर हूँ। हाँ मेरा अपना चैनल है, स्ट्रीम भी करता हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी से वैसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे कि अभी जो आपके चैनल पे दो पिछले जो नियो साहब आए थे, उससे माहौल कुछ आपके चैनल का भी ऐसा बन गया कि ऐसा लगा कि ये तो अपने आप के लोगों को ही नहीं सुन रहे, तो इसको अवॉइड करें वरना वही तासुर आपकी इस मूवमेंट का भी जाएगा। ये तो मैं ऐसे ही एक आपको भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ, मतलब बेशक मैं एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन देखें आप इस तरह हंसेंगे तो देखें समझ कैसे बात होगी, आप इस तरह तमस्खुर करेंगे तो चले आमिर भाई तमस्खुर वापस लीजिए अपना आप। चले मैं वापस ले लेता हूँ जी। आमिर साहब देखें सही बात नहीं है ना, मैं आप मेरे चैनल पे कभी आएंगे इतने सेंटी क्यों है, इतने टची क्यों है, अभी तो नए आए हैं आप। नहीं अच्छा, मैं आ सकता हूँ इस लेवल पे भी, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे पास आइएगा, मेरे पास आइएगा, मेरे पास आइएगा फिर। हाँ ये अच्छा मशवरा है, वहाँ पे इस तरह का मनोरंजन उनके लहजे में उनके जबान में बात करना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपके चैनल पे आऊंगा, तो मैं इंशाल्लाह मैं आपके चैनल पे आपके तरीके से बात करूंगा। अभी इंशाल्लाह जुबान से नहीं उतरा। अरे सर बहुत सारी चीजें जबान से नहीं उतरी हैं, तो बचपन से खराब आदतें लगी हुई हैं। खैर चलिए बात नहीं। अच्छा बहुत से हमारे एक्स मुस्लिम्स ऐसे हैं जो किसी जमाने में एक्स मुस्लिम रहे। हाँ ये नेचुरल है, लेकिन कैसा है मतलब इसमें तंज करने की बात नहीं है मेरे ख्याल से, तो नेचुरल है मेरे ख्याल से इंसान। नहीं मैं तंज नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये
बहुत से एक्स मुस्लिम हमारे जो लोग हैं वो रहे, लेकिन जब ये एक तकाबुली तफक्कुर की जब बातें स्टार्ट हुई हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से हमारे लोग जो हैं वो एक्स मुस्लिम बहन भाई जो वो वापस इस्लाम में आ गए हैं। तो आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो नेचुरल सी बात है मैं आपको भी दोबारा इस्लाम में आने की दावत दूंगा, और बाकी जो हमारी आगे बातें होंगी वो वहीं से उसी बारे में बात करने में आपसे आया हूं। भाई इनके पीछे, इनके पीछे से शायद एडम सीकर की आवाज आ रही है, मैं थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहता हूं। दिस इज नॉट द राइट वे डूड, कम ऑन मैन। लेकिन ये तो आप अली भाई ना कहना।